नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ छपरा में एक प्लॉट देखने के लिए। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि एक यहाँ पे अपना मकान हो, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ, तो यही हम लोग को पसंद पड़ा। ये है पीछे CPS स्कूल है, यहाँ से लगभग मतलब 200 मीटर आगे CPS स्कूल है और वहाँ पे एक रास्ता है और बगी सड़क भी है और इधर भी टोलिया है, एक बार दिखा दीजिए इधर। और इधर निबंधन कार्यालय है, उधर जंक्शन है, जंक्शन है, मतलब बढ़िया लोकेशन है। और यहाँ पे ये हमारे दोस्त है वासु विकास जी, जो कि एक छात्र नेता है, उनका ये प्लॉट है और इनके भाई लोग इनको इतना मानते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि इनके ही वजह से ये जमीन लिया है, मतलब लिए है और पूरा ये एक कट्ठा का प्लॉट है। हम लोग भी इधर ले रहे हैं, इनसे थोड़ा सा कम होगा और एक कट्ठा से थोड़ा सा ही कम होगा और लेंगे ज़रूर, तो उसको बुकिंग करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मेरे वाइफ का प्लानिंग है कि शादी का जो सालगिरह है उसी दिन इस ज़मीन का एग्रीमेंट हो। अभी तो शायद छुटकियाँ पड़ गया है इसलिए अभी नहीं लेंगे, ना ही अभी कोई कागज़ बनेगा, और जो भी होगा विकास जी बताएंगे, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार, मैं वासु विकास। सभी लोगों का सपना होता है कि एक प्यारा घर अपना हो, और ये हमारा सारण का जिला मुख्यालय है, तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं चाहते हैं कि जिला मुख्यालय में बहुत सारी सुविधाएं होती है, बहुत सारे जैसे एजुकेशन का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, ये सब सुविधाओं को देखते हुए सभी लोग चाहते हैं कि शहर में मेरा बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। इस उद्देश्य से एक शहर में अपना मकान होना आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। इसी कदम में मेरे भाइयों के सहयोग से और प्रभु और माता पिता के आशीर्वाद से ये मैंने प्लॉट अपने भाई के सहयोग से लिया है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी, मेरे बड़े भाई राकेश जी भी मेरे पास आए, मुझे खुशी होगी, हम लोग साथ मिलकर रहेंगे। धन्यवाद। हम लोग दोस्त साल से छपरा में रह रहे हैं दूसरे के मकान में, और अपना मकान होगा तो अपना सब चीज़ होगा, इसलिए हम लोग ले रहे हैं। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ये थोड़ा जो भी हो जल्दी हो जाए और जल्दी मकान बन जाए, हम लोग अपने मकान में शिफ्ट हो जाए और इस ज़मीन को हम लोग ले रहे हैं।